हम आपके साथ हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ में आई हूँ, आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। अच्छा, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, बहुत ही इजी सी रेसिपी है और ये ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए है जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती है और जिनको करने का शौक भी है, तो मैं उन लड़कियों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आलू के पकौड़े बनाने जा रही हूँ, ठीक है, जो कतलों के कतले बनते हैं, आलू के कतले जिनको कहा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास आलू कटे हुए हुए हैं, सही है, आप देख सकते हैं इन्हें ऐसे से आलू कटिंग किए हुए हैं। अच्छा, और ये हमारे पास बेसन है, ठीक है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जो जिसमें चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, हम थोड़ा सा इसमें हसबे जायका चाट मसाला डालेंगे, ठीक है, धड़ा मिर्च डालेंगे, आप देख सकते हैं ये धड़ा मिर्च है, हसबे जायका हर चीज़ डालनी है और सॉल्ट डालेंगे, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस मिक्सचर में पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हम इसमें पानी डालेंगे, इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, ठीक ही रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि बेसन की कोई गिल्टी इसमें ना रह जाए, ठीक है, और ऐसे थिक ही रखना है, ज़्यादा इसको लिक्विडी शेप में नहीं लेकर आना। अब जो भी हमने ये आलू के कतले कटिंग किए हुए होंगे ये हम इसमें मिक्स कर देंगे, इसमें ये मिक्स करने के बाद ये हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन हमारे सारे टमाटोज को अच्छे से लग जाए। अच्छी कुक नहीं हूँ, मेरी कुकिंग भी बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा भी नहीं कुक करती और बहुत बुरा भी नहीं कुक करती हूँ, लेकिन अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम तो कोई अच्छा कुक नहीं बन जाता, या फर्स्ट टाइम कोई भी अच्छी कुकिंग नहीं हो जाती, आप फर्स्ट टाइम कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे, सेकंड टाइम करेंगे, लेकिन थर्ड टाइम बहुत अच्छी कुकिंग हो जाती है, ठीक है। ये हमने सारा मिक्सचर बना दिया है, हमें इसको